चलो क्लियर है, पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। तो लॉग जो है, जो अगर आपके पास लॉग बेस टू द पावर ई रहेगा और उसका एक्स निकालना है, तो आप के पास जो वैल्यू रहती है वो लॉग बेस टू द 10 नहीं रहता, लॉग बेस टू द पावर ई नहीं रहता हमारे पास। हमारे पास लॉग लॉग बेस 10 की वैल्यू रहती है। तो e को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लॉग बेस टू द पावर 10 हो जाएगा। ठीक, लॉग के कुछ कुछ रूल्स होते हैं। अगर लॉग m इंटू n करना है तो लॉग m प्लस लॉग n करेंगे। अगर log m इंटू n है तो log m प्लस log n करेंगे। अगर log m डिवाइडेड बाय n है, ठीक है, तो फार्मूला आप लगाएंगे log m माइनस log n। ठीक है, अगर log m डिवाइडेड बाय n करना है तो log m माइनस log n आप करोगे। मतलब अगर log डिवाइडेड डिवीजन फॉर्म पे है तो आप क्या करेंगे, आप उसको माइनस कर देंगे दोनों के लॉग के वैल्यूज के साथ। ठीक है, चलिए, अगर लॉग एक्स के पावर एन है, ठीक है, लॉग एक्स टू द पावर एन है, तो आप क्या करेंगे, ये जो पावर पर हैगा इसको आप सामने ले आएंगे और लॉग एक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, एग्जाम्पल लेते जाते हैं। अगर log 5 log 5 इंटू 6 है, log 5 इंटू 6 है, तो आप क्या करोगे, log 5 लिखोगे और log उसको जोड़ दोगे log 6 के साथ। क्यों, क्योंकि लॉग हो गया, अगर मैं 5 को m मानूं इनटू करूं और 6 को n मानूं, तो लॉग m मतलब लॉग 5 यहां पे क्या हो गया, 5 और ये 6, तो लॉग m लॉग 5 प्लस लॉग n, तो लॉग 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को डिवाइड कर दूं, log 5 by 6 पूछो, तो आप क्या करोगे, log 5 माइनस log 6। यहाँ पे देखो log m और ये log n, ये कंपैरिजन कैसे हो जाएगा, log m अपॉन n। ठीक, तो log m ऊपर वाले का log 5 लोगे और माइनस log n जो कि अपन 6 माने हुए हैं। ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स लॉग के आपके सामने। अब आप देखो, अब आप देखो, अगर आपके पास यहां पे दिखेगा लॉग x इक्वल टू log y है, log x
इक्वल टू लॉग वाई है, और इसके बेस पे आपका 10 दिया हुआ है, ठीक है, इसके बेस पे आपको 10 दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस लॉग को हटाने के लिए आपको इस इक्वल या वाई के साइन को 10 के पावर करना पड़ेगा और इसके इक्वल करना पड़ेगा एक्स, समझ रहे हो। अगर लॉग बेस टू द बेस एक्स है इक्वल टू वाई है तो आपको 10 को इधर ले जाते हुए लॉग 10 टू द पावर वाई करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, लॉग बेस ई एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, अरे एक्स इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सा है, ये ई के पावर वाई, खत्म। कुछ लॉग की वैल्यूज को हमको याद रखना पड़ेगा, लिख लिया ना था पूरा, कुछ लॉग की वैल्यूज का हम लोग को याद रखनी पड़ेगी, और उसका कोई चारा नहीं है, आपको थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा। कैसे, देखो लॉग वन की वैल्यू होगी जीरो, लॉग वन की वैल्यू होगी जीरो, ठीक। चलो लॉग टू की वैल्यू होगी 0.3010, लॉग टू की वैल्यू होगी 0.3010, ठीक। लॉग थ्री की वैल्यू होगी 0.48, लॉग फोर की वैल्यू होगी 0.60, लॉग फाइव की वैल्यू होगी 0.70, ठीक है। कैसे हुआ, लॉग वन की जीरो, लॉग टू की 0.30, लॉग थ्री की 0.48, लॉग फोर की 0.60, लॉग फाइव का 0.70, ठीक। लॉग सिक्स की वैल्यू होगी, लॉग सिक्स की वैल्यू होगी 0.77, लॉग सेवन की वैल्यू होगी 0.84, लॉग एट की वैल्यू होगी 0.90, और लॉग नाइन की वैल्यू होगी 0.95, और लॉग टेन की वैल्यू होगी 1, ठीक है, लॉग टेन की वैल्यू होगी 1, लॉग वन की वैल्यू 0, लॉग टू की वैल्यू 0.3010, लॉग थ्री की वैल्यू लॉग थ्री करेंगे तो 0.48, लॉग फोर करेंगे तो 0.60, लॉग फाइव करेंगे तो 0.70, लॉग सिक्स करेंगे तो 0.77, लॉग सेवन करेंगे तो 0.84, लॉग 8.9, लॉग 9.95, लॉग 10 1। मेरे को याद है, मेरे को याद है, और जितनी भी वैल्यूज हैं वो लॉग बेस टू द पावर 10 है, लॉग बेस पावर नहीं, लॉग बेस 10 1, लॉग 1 बेस 10 अगर की वैल्यू निकालेंगे तो 0, और लॉग 10 की वैल्यू निकालेंगे तो लॉग 1, याद रखने वाली चीज, ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ो।
लिख लिए, चलो मिटा नहीं रहा हूँ। आपको करना यह है कि आपको log 100 की वैल्यू बतानी है और log 1000 की वैल्यू बतानी है। आपको log 100 की वैल्यू बतानी है और log 1000 की वैल्यू बतानी है। इन्हीं वैल्यूज़ का इस log में 100 और 1000 में यूज़ होने वाला है। तो आप ये दोनों का वैल्यू मेरे को बता सकते हैं क्या, इन वैल्यूज़ का यूज़ करके? इसको आपको याद रखना पड़ेगा log 1 से लेकर के log 10 तक। log 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को क्या लिख सकते हो? 100 को लिख सकते हैं अपन 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 को कैसे क्या लिख सकते हैं? log 10 का पावर 2। log 1000 को क्या लिख सकते हैं? log 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब आप देखो log x टू द पावर y क्या बताया था कि y हो जाएगा सामने और log x आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो अब आप देखो पहले वाला केस में, ए वाला केस देखोगे, हमारे पास log 10 पावर 2 है। तो ये अगर ये y हुआ ये x हुआ तो ये y वाला पहले आ जाएगा 2, और उसके बाद log x करना है तो log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक, log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 2 इंटू 1 वैल्यू क्या आई? 2। सिंपल। बी वाले को देखें, हमने क्या किया, log 10 के पावर 3, इस 3 को सामने ले आएंगे और log 10 लिखेंगे, आएगा क्या 3 इंटू 1, क्या आया 3। चलो एक और क्वेश्चन, आपको निकालना है log 50, आपको निकालना है log 50। log 50 को कैसे लिख सकते हो? हम लोग को 1 से 10 के बीच में लाना है, 5 इंटू 10 लिख सकते हो। बस कहानी ख़त्म, log 50 इंटू 10 आराम से लिख सकते हो। ठीक, अब ये किस फॉर्म पे आ गया, log m इंटू n। तो log m प्लस log n लगाओगे, log m इंटू n में log m प्लस n लगाओगे तो क्या होगा, log m क्या हुआ इसमें 5, log n क्या हुआ 10। log 5 की वैल्यू आपको याद है 0.7, 0.7 log 5 आपको याद है 0.7, और log 10 कितना है 1, आंसर क्या आएगा 1.7। आपको निकालना है log 600 डिवाइड बाई 7, चलो करके दिखाओ, log 600 डिवाइड बाई 7, log 600 डिवाइड बाई 7। अब आप देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, log 600 माइनस log 7 लिख सकते हो, log m डिवाइडेड बाई n, log m डिवाइडेड बाई n, log m माइनस log n, 600 बराबर m हुआ log, तो ये किस फॉर्म पे हुआ, log m बाई n हुआ। अब आप देखो log 600 आपके पास, तो log 600 को कैसे लिख सकते हो, 10 स्क्वायर, 6 इंटू 10 स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 100 लिखूंगा ना, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर माइनस log 7। अब ये किस फॉर्म पे, log m इंटू n है ना, अब ये किस फॉर्म पे, log m इंटू n, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 6 माइनस log 6 इस बार कैसे लिख सकता हूँ, अब देखो log
टेन स्क्वायर, अरे मैं डायरेक्ट करने का आदत होना मेरे को, माइनस लॉग सेवन हुआ हुआ ना, अच्छा माइनस नहीं आएगा, लॉग एम इंटू एन लॉग एम प्लस एन होता है, सॉरी ठीक, लॉग एम इंटू एन कैसा होगा, लॉग एम प्लस एन, तो ये एम हो गया ये एन हो गया, ठीक माइनस लॉग सेवन, इसको सॉल्व पहले करेंगे ठीक, इसको भी 0.77 भी लोगे तो 2.77 माइनस इतना हो जाएगा तो 7 बढ़ जाएगा और 9.3 हो जाएगा, 1.93 लोगे ना, लॉग सिक्स लॉग टू माइनस 0.84 दोनों को जोड़ें, 2.77 माइनस 0.84 1.93। कोई पूछ दिया आपको 279, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही बड़ा नंबर पूछ दिया और उसकी लॉग की वैल्यू आपको निकालनी है तब आप क्या करोगे, अब आप सोचो 279, अब आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है 279 के बाद 0.00 है, ऐसा ही होता है ना, 279 के बाद 0.00 है, ठीक है। दूसरा देखो, अरे 10 रुपये रहता है, उस 10 रुपये को कैसे लिखते हैं, 0.00 रुपीज़ 10 होगा, वैसे ही बोल रहा हूँ 279.00 हुआ। अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट को एक डिजिट के बाद लाना है, आपको उस पॉइंट को खसकाना है एक डिजिट के बाद, मतलब एक डिजिट को छोड़ करके उस पॉइंट को खसका देना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं लॉग 279 में पॉइंट को लेफ्ट साइड खसकाऊंगा तो क्या बन जाएगा, लॉग 2.79 बनेगा, लॉग 2.79, मैंने क्या किया, लॉग इस पॉइंट को मैंने दो डिजिट खसका दिया, ठीक है। अब मैंने जब मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ पॉइंट खसकाने के लिए, आपको याद रखना है कि आपको 10 to the power जितने बार पॉइंट खसकाए हो, दो बार खसकाए ना तो 10 to the power + 2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं राइट साइड जाऊँगा पॉइंट को राइट साइड खसकाऊँगा तो आपको 10 to the power - में कितने बार खसकाया है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है सिंपल। तो लॉग 2.79 को इंटू 10 to the power² लिख सकता हूँ, 10² लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या, मैं लॉग 279 ही लिख रहा हूँ, हुआ क्या असली में 2.79 इंटू 10² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100। अगर दोनों को इंटू करोगे तो आपके पास 279 ही आएगा, है ना। अब ये मेरे लिए हलवा हो गया, और क्या, अब मेरे लिए बिल्कुल हलवा हो गया, नहीं हुआ, वाह। अब आपको क्या करना है, log m into n, तो log 2.79 plus log 10² ठीक है। अब देखो log 10² की वैल्यू आएगी 2, अब दिक्कत क्या है, log 2.79 आपके पास है, अब आप सोचो log 2 की वैल्यू आपके पास रखी हुई है और log 3 की वैल्यू भी आपके पास रखी हुई है ना, log 2 और log 3 की वैल्यू आपके पास याद है, अब आपको थ्योरी एग्जाम तो लिखना नहीं है, तो log 2.79 को मैं log 2.8 सोच सकता हूँ, क्योंकि इस राउंड ऑफ करूंगा तो 2.8 हो जाएगा ना, 2.79 को मैं 2.8 समझ सकता हूँ ना, अपनी मर्जी से, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ना। 2.8 में अब log 2 की वैल्यू 0.30 है, log 3 की वैल्यू 0.48 है ना, और 2.8 थोड़ी सी बढ़ गई, log 2 की वैल्यू 0.0 है,
लॉग 2.1 की वैल्यू 0.5 हो सकता है, लॉग 2.2 की वैल्यू 0.37 हो सकता है। ऐसा कर करके मैं सोचूं 2.8 पास किसके, 0.8 लॉग 3 के बारे में पास में, तो इससे थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, इससे मैं थोड़ा 0.48 से कम कर दूंगा तो 2.8 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है 0.28 की वैल्यू निकल जाएगी। तो 0.48 को मान के चलो मैं लॉग 2.8 की वैल्यू इससे थोड़ा सा कम किया तो लॉग 0.45 ले सकता हूँ, ले लिया ना, मेरे ऊपर है, ऑप्शन में आपको फंसाएगा तो नहीं, क्योंकि आपको थ्योरी तो सॉल्व करना नहीं है। तो 2 + 4.45 हो जाएगा 2.45, लॉग 279 2.45 खत्म। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, लॉग 2.3525 इसी ट्रिक से निकालो, लॉग 2.3525 ये मैं अपने नाम अपने मान से दिया हूँ ना, मैं कुछ ऐसा डिसाइड करके नहीं आया हूँ कि मेरे को ऐसा ही कुछ चलना है, आपको निकालना है लॉग 2.3525 एकदम इजी है। देखो लॉग 2.3525 लॉग 2.3525 लॉग 2.3525 पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है, आपको एक नंबर तक खसकाना है 1, 2, 3, 4, इसका मतलब log 10^4 होने वाला है, ठीक log 10^4 होगा जब डायरेक्ट हो जाएगा। और क्या करना है, अगर आपने 10^4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास log ये वाली वैल्यू बचेगी, सिंपल एकदम हिंदी में लिखती है दिव्या, ठीक है। अब log m into n, तो log 2.3525 into log m plus n लगाऊंगा plus log 10^4, log 10^4 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 सामने आएगा log 10 4 into 1, ठीक। log 2.3 की वैल्यू कितनी होगी, log 2 की वैल्यू कितनी हुई 0.3010, log 3 की वैल्यू कितनी होगी 0.48, log 2.3 के पास log 2.3 निकालना, बात का छोड़ दो ना, इतना लंबा का कौन पूछ रहा है, log 2.3 ही निकालो। तो log 2.3 किसके पास है, log 2 के पास है, तो थोड़ा सा मैं वैल्यू ज़्यादा कर देता हूँ, log 2.3 मान के चलो 0.30 है, मैं इसको 0.36 ले लेता हूँ या 0.37 ले सकता हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, अब मैं जोड़ूँगा तो 4.37, तो ऊपर नीचे पॉइंट का चल जाएगा, वो ऑप्शन बेस्ड में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो